तो भाई ये आ गई अपनी गड्डी, यानि मेरा भर आगे आगे तुम पता जाम कितना तगड़ो लगो पड़ो। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ की मंडी कूलर की दुकान के सामने। तो भाई ओम प्रकाश देव भाई उधर बात कर रहा है, लेकिन उधर गाड़ी देख रहा, अपनी गाड़ी खड़ी उधर पंप पे, इधर क्योंकि डीजल लेंगे वो सामने गाड़ी भर रही है। इसको चलो भाई मुश्किल है निकलना, जो ये रोंग साइड आ रही गाड़ियां ये दिक्कत कर रही हैं, वो आगे से आ रहे हैं। तो भाई तराड़ा बॉर्डर अपना पार कर दिया आज जल्दी से जल्दी, तो आगे आ रही है कुछ नहीं बड़ी है भाई सब्जी हैदराबाद के वो नॉन स्टॉप जाएगी जी, बता देते हैं आपको नॉन स्टॉप दिखाएंगे जी, दिखी भाई नहीं तो ना दिखेगी। तो भाई हो चुकी है भाई सुबह, दिन निकल चुका है, छोटी छोटी लो हुई है सुबह सुबह, उधर वाले रोंग साइड मतलब जाम लगा पड़ा, हम आए रोंग साइड वाली रोड में सारी गाड़ियाँ उस साइड भी भरी पड़ी है आगे, अब क्या करें भाई स्लीपर बेचारा फंस गया और बहुत अच्छा स्लीपर है भाई एसी वाला। तो भाई बहुत घना लंबा जाम लग चुका है, ये देखो गच्चे माल वाली बस वैसे देखो भाई कहाँ जा रही है, और भाई वैसे वैसे जा रही है भर के। तो भाई बहुत कच्चे माल वाली गाड़ी दिख रही है ना अभी, 77-71 भी हमारी यहीं कहीं फंसी पड़ी है वो बिना आए। ओ भाई साहब वो पार तक रहा भाई, कम से कम वो दिख रहा भाई उधर से वो ऊपर तक रहा जाम है, क्या कर सकते हैं भाई बहुत बड़ा जाम है। अब भाई मुश्किल है निकलना, जो ये रोंग साइड आ रही गाड़ियाँ ये दिक्कत कर रही हैं, वो आगे से आ रहे हैं ये रोंग साइड से जा रहे हैं, अब क्या करें। हमने तो भाई साइड ले ली एक साइड, तो भाई चलो बहुत खतरनाक जाम लगने वाला है इधर, अभी हम साइड में होटल में घुस जाएंगे नहीं तो क्या करें भाई बहुत खतरनाक है इधर। चलो भाई जाम मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद जाम शाम पार करके। तो भाई आज गलत पंगो ले लियो रॉन्ग साइड फंस के, जाम बहुत लंबो लगो पड़ो। चेक करो गाइस, ये अपनी गाड़ी खड़ी उधर, चेक करो ये भाई गाड़ी लिकड़ना रही, जबरदस्ती लिकड़वा रहा, अन्नक तिरपाल फाड़ गो, फाड़ फोड़ के सपट गयो। अब देखो भाई ये रॉन्ग साइड की मेहरबानी है भाई, देखो इतना ऊंचा ऊंचा डिवाइडर कूद रही है आज अपनी रानी, ये देखो भाई। चलो भाई चलते हैं आगे,
भाई जाम देख लो भैया बढ़िया वालो हम सब्जी गाड़ी देख तुम बोले मौज ले आराम से तो यहाँ मैंने सब गाड़ी खड़ी है थोड़ी देर बाद अरबाज में आने वालों यही में लगन लो खोज को 5-7 मिनट में थोड़ी अब लगने वालों बस धौलपुर परली साइड में हम धौलपुर कुरली साइड में तब करेंगे जाम पार देखे तक 2-2.5 घंटे तो गए हम खड़े खड़े और तक कितना टाइम लगेगा तो भाई यह आ गई अपनी गड्डी यानी मेरा भर आगे आगे तो पता जाम कितना तगड़ो लगो पड़ो कोई ना अब जा देखे तक जाम हम कितना पाएगा शाम सट जाम तो लगी रहो बहुत भयंकर वालो सब जैसी होनी चाहिए भीतर भीतर पड़े मस्त हाँ टटले ये देख ठंडा भी काम तो भाई ये गाड़ी की दोस्त अच्छी ना है बहुत अच्छी है देखो भाई भाग रही है कच्चा माल भरा हुआ है इसने 100 किस्से भाग रहा है टायर को तो उठाती है वह मौसमी भरी पड़ी चलते हैं भाई तो भाई ट्रैक्टर हो चुका है भाई इसकी ट्रैक्टर मतलब पलट गया अभी इसको कर रहे हैं उठा रहे हैं ये देखो वह तो भाई आ चुके थे धौलपुर धौलपुर पे अपनी गाड़ी लगी है ये तो सामने भाई रहे फूल वाले भाई वहाँ पे अभी फूल ने माने हमारे सामान आया हुआ देख लिए एक फूल मांग गया तो इस भाई ने हमारे नसीम भाई ने लगा दिए नए फूल अभी अभी तैयार करके अभी अभी ये देखो कैसे लग रही है तो अभी ये कर रहे हैं बात ही जाते नियमत भाई अभी परेशान है क्यों फूल नहीं माने भाई फूल जब बन जाएगी गाड़ी हमारी तब बड़ी दिखेगी ये है भाई कल्लू भाई की दुकान कल्लू भाई एड्रेस बताओ एड्रेस है मनिया अनौता चौकी धौलपुर से पहले आगरा रोड पे ये नेशनल हाईवे है ना भाई नेशनल हाईवे के साथ है शाम कोई बात नंबर लिंक डाल देंगे नहीं तो बोल दो नंबर 63-76-84-94 हाँ ये हमारे भाई फूल का सामान ये फूल बनेंगे अगले चक्कर मिल जाएंगे तो ये इनकी पूरी भाई दुकान है छोटी सी दुकान है बड़ी दुकान है चलो अब बड़ी ये होगी तो हमारी गाड़ी बहुत हुई भाई बहुत तो भाई पहुंच चुके अपना आगरे वाले कट पे भाई पास है भाई ये चेक करो भाई आरटीओ भाई इधर बहुत है आप जाएगा इधर को सीधा तो भाई आगरा में अभी नहा धो के आगे थे भाई आके खाना छाना खा के ये रही भाई गाड़ी ये अपने भाई मिल गए थे ये इनकी भाई घोड़ा है खाना डेरी तो भाई से नाम पूछते भाई नाम क्या आपका निजाम भाई मिला तो चलो इन से मुलाकात करके इधर से निकल पहुंच चुके हैं मथुरा और मथुरा में ये चेक करो ये देखो सामने से तरफ जा रही है तो हमने इस पर रखवा दिया टैंकर थोड़ी देर पहले तो आपने देखी मोटर भरक जाती हुई लेकिन अब हमने इस पर टैंकर धरवा दिया क्या करें यार अरे ये चौचा कोई तो अरे भाई हम दोनों जान रहा हमारे तो को पता ही ना कौन क्या यार चौचा कोई वैसे सेम नंबर मस्त है चलो अभी फ्लाईओवर चल रहा काम यहाँ जाम जूम है करते इसको पार मिलते फिर कहीं आ गए देखते हैं मथुरा में भीड़ भाड़ मिलेगी जाम जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा फिर मिलते हैं आपसे आगे इधर सराय वराय कर लिया पार बुधिया देखो अपने सामने खापा जी जा रहा है मोल साहब तो बड़ा मस्त लग रहा बा मोबाइल में अभी मोबाइल हैंग मार रहा आ जाए जबरदस्त लग रहा
देख रहे हैं कि लगे कहाँ ऐसा तीन अलग से दौड़ा दो मिलने जो तो बाइस करेंगे से पहले हैं हम यहाँ अपने भाई मिले थे। भाई नाम क्या? साबिर भाई। साबिर भाई मिलने के लिए रुके थे तो हम गए थे वहाँ ठंडा शंडा पी के। अभी आए भाई जल्दी चलो भाई नहीं तो फूट देगा हमको। ये इनका घोड़ा एसी वाला है नॉन एसी भाई। बहुत बुरा हाल होता है गर्मी में। अभी सोए थे बहुत सोने होता ही नहीं भाई बहुत। पहुंच गए हैं उनके एमपी हाईवे पर। उस अपर टेलर और भाई को करते हैं टाटा बाय बाय। वो देखो उसने उधर घुमा दिया। और ये चेक करो चंडीगढ़ रह गया अपना 350 किलोमीटर। हाँ दे आलू थ्री व्हीलर रहेगा तक। अरे यार अच्छा थ्री व्हीलर आयो तो भाई हैं वो गए ऊपर से ऊपर चलेंगे दिल्ली से गए एमपी पे चढ़ेंगे वापिस यू टर्न करके ऊपर ऊपर से। चलो घुमाते हैं इसको यू टर्न। ओ भाई फाइनली अपना उतरने का टाइम आ चुका है। रात भी हो चुकी है। ये देखो अपना कट मतलब कि अपना बोट अंबाला पानीपत का कट आएगा इस पे। इधर से उतार देंगे इसको लेफ्ट साइड में बिल्कुल आराम आराम से। और मेंटल बॉक्स एक साइड हो जा। ये हकीकत में मेंटल बॉक्स है। जान दो पहले साइड वाह भाई मेंटल का बॉक्स। तो ये है दिल्ली का बाईपास। इसको ये होता है इधर ही ख़त्म समाप्त। तो इससे अगला नीचे दिख रहा होगा आपको जीटी रोड। अब यहाँ से हम चलेंगे जीटी रोड पर धुआंधार तरीके से करनाल जीटी जिसको बोलते जीटी करनाल रोड। तो दिख जाता दिल्ली से सीधा अमृतसर। तो चलते हैं इसी पे सीधे सीधे जो भी आपको दिखाएंगे आगे जैसे भी रहेगा। हाँ सीधे वगैरह ये आ चुका है जीटी करनाल मेगा सॉरी जीटी करनाल रोड जो कि बड़ा ही जबरदस्त है। इधर देखो होटल वगैरह आ चुके हैं। इधर देखो इधर होटल होटल इतनी सारी होटल हैं। ये देखो पहलवान ढाबा मूर्थ ढाबा तिरंगा ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट इनका को पता नहीं कौन कौन रेस्टोरेंट गुलशन ढाबा। ये देखो मंदिर भी इधर दर्शन कर सकते। ये देखो गुलशन ढाबा मन्नत ढाबा जन्नत ढाबा 70 मिलियन 80 मिलियन अरे ढाबा आगे कोई कोई रसोई घर कई कई चक्कर और लिखा लो पूरे ढाबा और लिसे ढाबा यार देख झिलमिल ढाबा किराएगा बर्फी वाला मंगला ढाबा हरी ढाबा हरिवेश। अब वो अरे अभी खत्म खत्म ना हो यार अभी तो और ऐसा रहेगा तो कोई ना ये तो ख़त्म होंगे ना ये थोड़ा इनके पीछे लग रहेंगे यार। हम तो अपने रास्ता ना पाए और पहुँचे अपने चंडीगढ़। भाइयों और बहनों हम पहुँच लिए हैं पानीपत होंडा सिटी के पास। और ये पानीपत का वो जगह है जहाँ से कि गाड़ियाँ लोड होती हैं मटर वाली। हम आपको दिखाते हैं चलो ओम प्रकाश भाई से मिलाते हैं आगे चलने के बाद। तो भाई ओम प्रकाश देव भाई उधर बात कर रहा है लेकिन ये उधर गाड़ी देख रहा है अपनी गाड़ी खड़ी उधर पंप पे। इधर क्योंकि डीजल लेंगे वो सामने गाड़ी भर रही थी इसको चलो। तो भाई आगे आ चुके थे पानीपत में। यहाँ लाया अपना डीजल शेयर। तो यहाँ ओम प्रकाश भाई हैं जो इनसे हुई मुलाकात। तो और ये अपने भाई हैं। नाम क्या भाई? आपका नाम भाई? राहुल भाई। राहुल ठीक है भाई इनसे करते हैं मुलाकात वगैरह तो फिर चलेंगे। अटाटा वाला हाँ इसीलिए कोई बात नहीं। चलो भाई इनसे मुलाकात करके आप निकलते हैं यहाँ से। तो भाई 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 से मिल गए सब बढ़िया लगो। तो ओम प्रकाश भाई यार सपोर्ट करे सुना है मटर भर रहा है गाड़ी भाग रही है तुम सपोर्ट ना करो यार। हम भाई अपन जा रहे हैं मुंबई और नेमत भाई जा रहे हैं चंडीगढ़। और अभी रात बहुत हो गई मंडी में जाना है। कितने बजे की मंडी? 2 बजे की मंडी भाई। 2 बजे मंडी में जाना है 4 घंटे पड़े अभी 200 किलोमीटर निकालना है। हाँ और अभी पानीपत में खड़े हैं रोहतक रोड में। तो
ये वाला इंडियन कॉम्पेन है, यहीं से जीटी रोड है मैन, ये रहा सामने ये ठिकाना है। और यहीं से हो रही है गाड़ी लोड, वो खड़े ओम प्रकाश भाई गाड़ी अंदर सामने, तो यहीं सब थोड़ी देर में गाड़ी आएगी ऊपर से हिमाचल से, वो इसमें क्रॉसिंग होगी, तो भाई फिर भरने के बाद फिर यहाँ उड़ाएगा 100 पे। उस तमने देख रहा हो कैसे उड़ाए, और भी लोगों ने जन भाई ने ना देख रहा कौन है, तो भाई के चैनल जाकर सब्सक्राइब करें। तो भाई अपने चैनल का नाम बताए एक बार, तो भाई जा प्रकाश विलोक 1907 जब हम करीब 10-10.5 हज़ार सब्सक्राइबर, भाई जल्दी जल्दी सपोर्ट करो भाई यार, जैसे और अच्छा अच्छा विलोक बना, क्योंकि कंटिन्यू ने हम तो बहुत ही कम भरे मटर भाई, कंटिन्यू मटर ढोयो कंटिन्यू, महीना में 5 के 5 विलोक ने एक्सप्रेस वही का मटर ही मटर का देखना, बोले मजा आऊंगा ऐसी बात ना है। और इसकी साइड जो टम्प ट्रॉली और भर रहा है घने सारा, तो कोई ना निकले हम भी, कोई अहमदाबाद जा रहा, कोई सूरत जा रहा, कोई बड़ौदा, कोई भरूच, तो भाई जाएगा बम्बई और पूना 24-25 की जो 24-25 वाली मंडी मजा हो मैंने कहीं ना, बाकी गाड़ी भागे 100 प्लस ही प्लस, बाकी भीड़ भाड़ जाम जूम सब देखना पड़े यार, तो कोई ना निकले हम भी निकले भाई, गाड़ी अभी निकले कम से कम 1-2 घंटा में, क्योंकि नहीं क्रॉसिंग वाली गाड़ी आएगी उसके बाद निकलेगी, तो चले है ना फिर मिलें दोबारा। रोड चलते चलते ना अपने को भाई मिले, सामने जा रहे जिनकी गाड़ी है HP 6423 ये कुछ नंबर है, 6 चक्का गाड़ी सामने चली रही है, तो इन भाई से करेंगे आगे चले कहीं मुलाकात, देखते हैं शाहबाद में रुकते हैं कहीं भी, क्योंकि भाई हमारी मंडी लेट हो रही है यार, काफ़ी भाई मिल रहे हैं इस रास्ते पे भी, काफ़ी दिनों बाद आए उल्लेवाल रोड पे चंडीगढ़ साइड, तो भाई बहुत ज़्यादा भाइयों को प्यार मिल रहा है, कुछ भाइयों के साथ वीडियो बना ली, कुछ भाई के साथ ना भी बना पाए, और जिन भाई के साथ ना बना पाए उनके लिए वही सॉरी, कोई ना भाई के संग दोबारा मिलेंगे फिर बनाएंगे, तो चलो मिलते हैं भाई साथ। तो भाई भाई ने रोक लिया आगे गाड़ी, तो भाई से मुलाकात कर दी, शाम रोड जा रही गाड़ी मोटर सब स्पीड में, और भाई क्या हाल है, बढ़िया हमने सोचा था कभी नहीं मिलोगे आप यार। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं यार, भाई से मिलेंगे यार, क्या हमारी लाइन पर साइड के ना इसी के लिए। तो भाई चंडीगढ़ अपने चंडीगढ़ वाला कट जो अपना आ लिया है सामने, तो बाकी हरियाणा का भी है ये लास्ट स्टेट चल रहा, लास्ट जिला चल रहा, सामने बोर्डर इसको दिखाएंगे चंडीगढ़ ये चेक करो भाई, चंडीगढ़ शिमला पटियाला लुधियाना, ये देखो सामने आ गया हरियाणा श्रवण द्वार, ये चेक कर रहा टम्पू दबारा भाई साइड, उसकी गलती नहीं भाई, दूसरा टम्पू आ गया भाई, वो भी तरह अपना बचाव करेगा, चलो हरियाणा पढ़ते हैं, मतलब कि अभी तो हरियाणा हम चलेंगे 2-5 किलोमीटर और बाकी हम बड़ा कहते हैं टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे आपसे आगे चंडीगढ़ में। भाई थोड़ी आगे आ गए, देखो जाम लग चुका है, पता नहीं किस चीज़ का जाम, ये देखो गाड़ियाँ डिवाइडर उतारी हमारे गाड़ी से, यार रास्ते में दिखे अरे ये देखो इस सुबह की तरह गाड़ी कूद रही ब्रेकर, ये देखो टम्पो हम बड़ा तिर से हो रहा, कहीं इधर बैक हो रहा कहीं इधर बैक हो रहा, इसलिए भाई अंदर किस चीज़ का जाम है वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ सिटी, ये देखो वेलकम टू चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी, चलो देखो यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं सामने, इनको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेक करते हैं भाई कोई दारू वारू पीकर नहीं घूम रहा, इसीलिए कोई नहीं। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ की मंडी,
कुल्लड़ की दुकान के सामने। तो ये अपनी गाड़ी लग चुकी है इधर, ये देखो आइटम बैठा है इसमें। तो अपनी गाड़ी खोलते फटाफट, रास्ते त्रिपाल छोटे चढ़ गया ऊपर, एहसान भर गया पीछे। तो चलो मैं बेल्ट वगैरह खोल देता हूँ, एक फटाफट आधा काम ये करूँगा आधा मैं करूँ जल्दी इस त्रिपाल ऊपर खोल के कुछ खाएंगे पियेंगे। तो भाई दिन का बज चुका एक, हैदराबाद से आए थे हम, देख के भाई हो चुकी है अपनी गाड़ी खाली। तो सोचा भाई ये ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, बहुत लंबा हो चुका है, उसके पार्ट दो बनेंगे, बहुत लंबा है, तो इसीलिए इसको करेंगे यहीं पे एंड। तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा जिस चीज़ का भी रहा, मटर का जाके पता कच्चा सूखा कुछ भी भर सकते हैं, हम अभी बता नहीं सकते। तो मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।